माड़ा क्वार्टर निवासी फिरियादी राहुल मरकाम अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से आए एक वाहन पर चार सवार आरोपियों ने राहुल को अपने वाहन से डैश मारा और फिरियादी ने उन्हें टोका तो आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया है। फिरियादी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ कपिल नगर पुलिस ने 307 कलम लगाकर आगे की जाँच शुरू की है। आए दिन पुलिस के लिए काफी सिरदर्द नए नए आरोपी से हो रही है। हर एक दिन के बाद हत्या, डकैती, लूटमार, चोरी आदि घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ऐसी एक घटना कपिल नगर थाना अंतर्गत हुई। मिली जानकारी के अनुसार भाड़ा क्वार्टर निवासी फिरियादी राहुल साहेबराव मरकाम अपने दुपहिया वाहन से घर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से एक दुपहिया पर आए चार सवार आरोपियों ने राहुल के दुपहिया को डैश मारी। टक्कर मारने से फिरियादी राहुल ने उन्हें डांटा, बस फिर क्या था। दुपहिया वाहन पर सवार चारों आरोपी फिरियादी राहुल मरकाम पर टूट पड़े, लातों से हाथों से जमकर राहुल को पीटा। इतना ही नहीं तो एक पत्थर राहुल के सिर पर मार दिया, जिससे राहुल लहूलुहान हुआ। आरोपी का मन इतने में नहीं भरा तो आरोपी ने फिर से जेब से चाकू निकालकर हमला करना चाहा, लेकिन घटनास्थल पर काफी लोगों की भीड़ जमा हुई। आरोपियों ने भीड़ जमा होते ही देख दुपहिया वाहन पर बैठकर घटनास्थल से फरार हुए। फिरियादी की शिकायत पर कपिल नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश के तहत कलम 307-34 भारतीय दंड विधान के तहत गुना दर्ज किया गया और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। काल रात्रि 22:30 के दरमियान एक आमच्याकडे 307 गुना घटना घडलेली आहे। त्यामध्ये माडा कॉलनीतले चार आरोपी आहेत। यातील फिरियादी घटना अशी आहे की यातील फिरियादी जे आहेत NIT चौक येथून माडा कॉलनीच्या दिशेने जात होते बाईकने। तसेच हे जे चार आरोपी आहेत हे सुद्धा डावीकडून एका साईडने ते जात होते। या दोघांमध्ये डॅश झालं, म्हणजे एकमेक धडक झाली आणि त्यानंतर हा वाद उत्पन्न झालेला आहे। तर यातील जे चार आरोपी होते यांनी त्यापैकी एक आरोपीने पहिले चौघांनी धक्काबुक्की केली, मारापिटी केली, त्यानंतर त्यापैकी एक आरोपीने दगड होता दगड फिरियादीच्या डोक्यावर मारला व त्याला जखमी केलं। थोडक्यात तो त्याचा ठार मारण्याचा प्रयत्न करत होता, म्हणून आपण आपल्याकडे 307 गुन्हा दाखल केला यांच्यावरती। या चार गुन्ह्यामध्ये जे आरोपी आहेत त्यापैकी तीन आरोपी आपण अरेस्ट केलेले आहेत आणि एक आरोपी आता फरार आहे, त्याला आपण लवकरात लवकर आपण अटक करत आहोत। बाकी फिरियादी झालेली सगळे आहे, आता आम्ही कोर्टाची प्रोसिजर करत आहोत पुढची। आरोपियों को यदि गुनाह से दूर रखना है तो जेल में उन्हें अच्छा मानस उपचार तज्ञ का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मिरे की रिपोर्ट, इन BCN न्यूज नागपुर।